दोस्तों, क्या आप लोग भी होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटी का भारत के अंदर लॉन्च होने का बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों का इंतजार कम होने वाला है, क्योंकि होंडा कंपनी की तरफ से इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की डेट को कंफर्म कर दिया गया है कि इस स्कूटी को इंडिया के अंदर किस दिन और किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के दिमाग में इस स्कूटी को लेकर चल रहे सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इस स्कूटी की इंडिया के अंदर एक शोरूम प्राइस कितनी होगी और इस स्कूटी को एक बार चार्ज करने के बाद में कितने किलोमीटर चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, सब कुछ इस स्कूटी को लेकर आप लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होंडा मोटरसाइकिल ने इंडिया में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। काफी लंबे समय से होंडा के ईवी का भारत में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सोर्स के मुताबिक होंडा का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 27 नवम्बर 2024 को लॉन्च होगा, लेकिन कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि नया स्कूटर एक्टिवा ही होगा या फिर एक नया स्कूटर आएगा, लेकिन जल्दी इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। होंडा की ओर से मीडिया इनवाइट जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नए स्कूटर के बारे में और साथ ही जानते हैं कि इसकी रेंज और कीमत क्या होगी। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आप लोगों को बताया है कि होंडा की ओर से अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि नया इलेक्ट्रिक स्कूटर किस नाम से आएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सोर्स की माने तो नया स्कूटर एक्टिवा ईवी ही होगा, लेकिन ये एकदम नए डिजाइन और नए फीचर के साथ में आएगा। साथ ही मौजूदा पेट्रोल स्कूटर की तुलना में ये काफी एडवांस हाईटेक फीचर के साथ आएगा। पिछले साल होंडा ने इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में दो नए स्कूटरों को लाने की जानकारी दी थी। इसमें से एक वाहन को फिक्स बैटरी के साथ और दूसरे को रिन्यूएबल बैटरी के साथ लाने की जानकारी मिली थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत में लॉन्च होने वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर फिक्स बैटरी से लेस होगा, जबकि रिन्यूएबल बैटरी वाला स्कूटर कुछ समय बाद लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में इसी माह 2024 में होंडा ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। होंडा की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पावर देने के लिए रिमूवेबल बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर यह 70 किलोमीटर की रेंज देगा। आपको बता दें कि इस मॉडल का कॉन्सेप्ट पिछले साल टोक्यो मोटर शो में दिखाया गया था। आपको बता दें कि होंडा के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का सीधा मुकाबला टीवीएस आईक्यू अथर रिजदा 450 ओला S1 और बजाज चेतक ईवी से होगा। फिलहाल इस स्कूटर की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। सोर्स के मुताबिक स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। आपको बता दें कि इस स्कूटर में डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा जो कई एडवांस फीचर के साथ आ सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग 27 नवंबर 2024 को होंडा के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंडिया के अंदर लॉन्च होने का बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के साथ में आगे जरूर शेयर कर दें, ताकि जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और किसी आने वाले नए वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।